नमस्कार, न्यूज वन एशियन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के गृह जिला कटिहार में राजद की तरफ से एक अनोखी मांग की गई है। आपको बताएं कि कटिहार को 2009 में नगर परिषद से अपग्रेड करते हुए बिहार सरकार की तरफ से इसे नगर निगम में तब्दील किया गया था, लेकिन अब जिस तरह से कटिहार की तस्वीरें देखने को मिलती है, विकास वहां पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसको लेकर अब राजद की तरफ से कहा जा रहा है कि इसे एक बार फिर से नगर परिषद में ही तब्दील कर दिया जाए। और इसको लेकर राजद ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र भी लिखा है और लगातार अब उनकी तरफ से ये अनोखी मांग की जा रही है। ऐसे में क्या कुछ कहना है राजद के लोगों का, किस तरह से उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को अपनी ये मांग बताई है, आप पहले उनकी पूरी बात है क्या। आज हम लोगों ने नगर निगम की समस्याओं के सवाल पर जिला अधिकारी जी को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी के नाम से ज्ञापन थ्रू द्वारा डीएम के हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। हम लोगों ने ये डिमांड किया है कि आज जो कटिहार की जो हालत है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, 15 मार्च 2009 को कटिहार नगर परिषद को अपग्रेड करके इसको नगर निगम बनाया गया, 10 वर्ष से ज्यादा हो गया, आज तक नगर निगम की सूरत नहीं बदली। वही हाल है जो नगर परिषद में कभी हुआ था, उससे भी बदतर हाल है। चारों तरफ जल जमाव, दूषित जल जमाव, पानी, इसके अलावे सड़क की स्थिति जर्जर है, कूड़ा लगा रहता है चारों तरफ, गंदगी फैला हुआ है, बीमारी फैल रहा है। ये तमाम परेशानी के बाद भी नगर निगम को शर्म नहीं आती और सरकार को। आज तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि नगर विकास आवास मंत्री, नगर विकास आवास मंत्री के अलावा वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, उप मुख्यमंत्री कटिहार के स्थानीय विधायक जी, और बावजूद अगर कटिहार की सूरत ऐसी बनी रहेगी, अब इंसाफ के लिए और अपने अधिकार के लिए कहाँ जाएगा लोग, किससे बात करेगा, किससे मांग करेगा। अब तो हम यही कहना चाहते हैं, आज हम लोगों ने जिला अधिकारी को माननीय मुख्यमंत्री जी के और उप मुख्यमंत्री जी के नाम से यही ज्ञापन दिया कि हम लोग हार गए हैं, थक गए हैं। नगर निगम का विकास के सवाल पर आपने नगर निगम बनाया, नगर परिषद को, और आज तक विकास नहीं कर सके 11 साल में, तो आप हमें वही नगर परिषद वापस कर दीजिए जहां टैक्स कम लगता था और हम वही जिंदगी जी रहे हैं जो आज जिंदगी जी रहे हैं। तो हमें वापस कर दीजिए नगर परिषद को, हम खुशहाल रहना चाहते हैं। हम कम से कम, हमको आज झुग्गी झोपड़ी पर आप टैक्स लेते हैं, खाली जमीन पर टैक्स लेते हैं, होल्डिंग टैक्स का गुणात्मक वृद्धि कर दिया, पुनर्रक्षित होल्डिंग टैक्स नियमावली को आपने लाया सिर्फ इसलिए कि हम विकास करेंगे, और विकास सफेद हाथी, नगर निगम सफेद हाथी बन गया है। हम लोगों को ही खा रहा है, यहाँ के जनता को ही खा रहा है, लोगों का आर्थिक दोहन हो रहा है। आज सभी विषयों पर हमने जिलाधिकारी से मांग किया, इसके अलावे भी हमने एक सुझाव भी दिया कि आप से, इनसे हमने एक डिमांड भी किया और सुझाव भी दिया कि कटिहार एक की भौगोलिक स्थिति को देख करके आप प्लानिंग कीजिए, मास्टर प्लान कीजिए। ये मास्टर प्लान जो सरकार नगर विकास आवास मंत्रालय के द्वारा बना रही है, ये ढकोसलेबाजी बेवकूफ बनाने वाली बात है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जरूरत पड़े तो आप बुला करके बड़े से बड़े इंजीनियर को आप इसकी स्थिति को ठीक कीजिए। ये हम लोगों ने डिमांड किया, और इस वर्ष का होल्डिंग टैक्स, खाली जमीन के टैक्स, झुग्गी झोपड़ी पर टैक्स को माफ करें। तो राजद की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि विकास को लेकर जनता की तरफ से भारी टैक्स भरा जाता है, लेकिन इसके बावजूद कटिहार की तस्वीर जो है वो देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने वर्षों के बाद भी आज कटिहार का की क्या दुर्दशा है। और इसी को लेकर अब राजद की तरफ से ये अनोखी मांग की जा रही है, जिसमें उन्होंने खुद सीएम नीतीश कुमार से कहा है कि आप ये कटिहार को एक बार फिर से नगर परिषद में ही बदल दीजिए। ऐसे में देखना होगा कि सीएम नीतीश कुमार की तरफ से इस पर क्या कुछ जवाब राजद को दिया जाता है। लेकिन ये जो अनोखी मांग है वो आज कटिहार में उठी है, जो लगातार राजद की तरफ से अब ये बातें कही जा रही है कि अगर आप विकास नहीं कर सकते तो नगर निगम रहने का क्या फायदा, आप इसे नगर परिषद में ही तब्दील कर दीजिए। तो ये अनोखी मांग और ये अनोखी तरह से जो बातें हैं वो राजद की तरफ से कही जा रही है। फिलहाल के इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।